सब जाति को मानसर मिले परमेश्वर को प्रशंसा को निम्ति आज यहाँ आएगा तब देखा नक्ते कोई नागा कोई सिंफू मिले नेपाली गत प्रदर्शन करते यो परमेश्वर को प्रेम नहीं हो जो हम आज बांट आया जो परमेश्वर ने भूक तिमी मेरे सृष्टि हो यहाँ कुछ जात पात छेन हई अभी यह सुंदर समय हम तब मज में क्रिस्मस को शुभ सन्देश लौ जागुन यूनाइटेड इसाइट सत्संग कमिटी साथ ही बर्दुमका सीडब्ल्यू सिस्टर्स मिले यूनाइटेडली आज क्रिस्मस के रंगारंग कार्यक्रम में अभी सारा वचन पढ़ मन लगे नडरा हेरा म तिमी बड़ो आनंद को सुसमाचार सुनाऊ जो सब मानस होने अज दाऊद को शहर में तिमी का निम्ति एटा मुक्तिदाता को जन्म भग जो क्रिस प्रभु होनी क्रिस प्रभु यीशु ख्रीष्ट को शुभ सन्देश लु आज हमें परमेश्वर को प्रेम जो परमेश्वर हमें बनाने भो तबला बना अभी हम सब बना परमेश्वर को प्रेम हम लगा परमेश्वर ने हमें माया कर सारा उदाहरण में दिन चाहूँ सानों नानी दिन खेलता खेलते नदी में पोखरी में डुब्यो अस बचा का निम्ति धेरे मानस तर्क दिन था तो इसी गण अच्छेस कस रसी दिन थालों इस धर अच्छेस कसले लाठी दिन थाले इस धर बाचेस अनेक तरीका को आइडिया दिन थाले तो नानी बचा को निम्ति तर तो नानी बांच सकेन तर अंत में एवं मं कुदे कुदे आयो अब जान को पर्वा भी नगरिकन तेज हाम फा नानी मर्द मर्द बचाओ अब मे भन्न चाहूँ भादा खेल आज इस संसार में धेरे यो मानस जिसने राम्रो राम्रो आइडिया दिन्छन् धेरै यस्तो धर्महरु छन् जसले राम्रो राम्रो कुरा गर्छन् म तिनीलाई गलत भनेको छैन सबै सही छन् तर एकजना यस्तो आउनुभयो जसले चाहिँ आफ्नो ज्यानको परवाह पनि नगरिकन हामी पापी मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति आफू कलवरी क्रुसमा मर्नुभयो अनि त्यो परमेश्वरको प्रेम हामी लिएर आएको छौँ उहाँले किन गर्नुभयो कलवरी क्रुसमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होला फोटोमा येशूलाई क्रुसमा झुन्डाएको त्यो चाहिँ उहाँले प्रेमले गर्नुभएको ताकि हामी पापी मानिसलाई हाम्रो पापबाट बचाउनको निम्ति हम प्रोग्राम अब अगि बढ़ने अब यह सुंदर समय में हम ब्रदर एरिक दिने जो दार्जिलिंग वहां सुंदर गीत प्रस्तुत कर शून्य जन्म लिया है।
मसीह दुनिया में आया हम सबको उद्धार देने के लिए। ऐसा शख्स कोई नहीं जो यीशु मसीह के सिवा ये दुनिया में आके हम लोगों को उद्धार और मुक्ति का रास्ता दिखाया है ना। तो यीशु मसीह सचमुच एक ऐसा परमेश्वर का पुत्र है जिसने आके हम सबको प्रेम करके अपना जान तक कुर्बान दिया ताकि हम सब पाप से मुक्त हो जाए और उद्धार और मुक्ति पाए ताकि हम स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर सके। परमेश्वर ले हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि त्यो ठूलो मेसेज चाहिँ तपाई अनि मेरो लागि हो अनि हामी सबैको लागि हो। परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि यो पापी संसारमा आउन परमेश्वर बाध्य हुनुभयो किनभने उहाँले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि त्यो प्रेमको कारणले उहाँ यस संसारमा आउनुभयो अनि उहाँ केवल आउनु मात्र नभएर उहाँले आफ्नो ज्यानलाई क्रुस समेतमा उहाँले बलिदान गर्नुभयो अनि उहाँले तीन दिनपछि उहाँ फेरि बौडी उठ्नुभयो अनि उहाँले हामीहरूलाई प्रतिज्ञा गरेर जानु भएको छ कि परमेश्वर फेरि आउनुहुन्छ।